नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, याहू देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करेड़ा में पूर्व मंत्री व विजन इंडिया के संरक्षक रामलाल जाट द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जाट ने पहल करके शिविर का आयोजन किया है, जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। गांव में बीमारी का पता नहीं लगता और वो बढ़ती चली जाती है। उन्होंने ग्रामीण चिकित्सालयों को सुझाव दिया कि वो बीमारी की पहचान कर इलाज करने में मदद करें। ओम शांति, ओम शांति। आज आपने सिल्कोसिस के लिए काफी कुछ घोषणा की, सब क्या घोषणा है? मोबाइल पीछे करो, अच्छी बनी है भाई साहब। कोई प्रायोरिटी है इस बीमारी से ग्रसित। आप सोच सकते हो कि कितनी भयंकर बीमारी है और सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नमूना है। अगर कोई और बीमारी हो या वायरस की बीमारी हो, अलग बात है। ये बीमारी ऐसी जो कि अगर माइनिंग में काम करने वाले लोग प्रिकॉशन रखवाएं और उनको इक्विपमेंट देवें या उनको सुविधाएं देवें जिससे कि वो सावधानी पूर्वक काम करें, तो ये बीमारी लगती नहीं। कुछ लापरवाही के नमूने के कारण से बीमारी होती है, लंग्स खराब हो जाते हैं, फिर ठीक नहीं हो पाते। सरकार चाहे मुआवजा देती है उनको 1-2 लाख सबको मानी देती है, लेकिन इंसान की जान चली जाए तो हम लोग मुआवजा देकर संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हमारी तो ये मान्यता है कि इसके लिए जितने माइनिंग के ओनर हैं, मालिक हैं, उनको खुद को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि मजदूर नासमझ होता है, अनपढ़ भी होता है, वो समझ नहीं पाता। उनको कहते हैं तभी वो कई बार प्रिकॉशन लेता नहीं है, ये अपन जानते हैं। जबरदस्ती प्रिकॉशन लेवाई जाए, जबरदस्ती वो नहीं लेता है तो क्यों उसको आपको हम मजदूरी देंगे? मजदूरी लगाएंगे नहीं आपको, इसे धमकी दो, समझाओ ये आपकी ज़िंदगी के लिए आवश्यक है। इस लेवल पर जाके अगर ये कैंपेन होगा तब जा कर के मैं समझता हूँ इस पर अंकुश लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी हालात ये है कि इतने पेशेंट आने लग गए हैं, जहाँ जहाँ माइनिंग एरिया है, चाहे वो करौली का हो, चाहे वो भीलवाड़ा का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे जोधपुर का हो, कोई एरिया हो, जहाँ माइनिंग है वहाँ ये बीमारी है। पहले इस बीमारी को लोग समझते नहीं थे।